राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के मौसम के बारे में, और बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम समूचे बिहार के क्षेत्रों पर रहेगा। खासतौर पर अभी की बहुत ताज़ा और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, कहीं किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर। सुस्त पड़ा मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा है, और बिहार के कई क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होने जा रहा है। कल 31 जुलाई को मौसम बहुत ज़्यादा खराब रहेगा, और इसकी जानकारी मैंने आपको दोपहर के वीडियो में भी दी थी कि बिहार के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, और विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी बिहार से लेकर मध्य और उत्तर पूर्वी बिहार के कई इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां संभव हैं अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने और भारतीय मौसम विभाग ने भी चेतावनी और अलर्ट जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 30 जुलाई के आसपास ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और शाम के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और इस समय भी बिहार के कई इलाकों पर मौसम खराब बना हुआ है। चाहे वो गया, अरवल से लेकर नालंदा, नवादा, शेखपुरा से लेकर बेगूसराय तक के भाग हैं, साथ ही जमुई, बंका से लेकर इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। गोपालगंज से लेकर सिवान, सारण से लेकर जो बक्सर भोजपुर तक के इलाके हैं, रोहतास, कैमूर तक के भाग हैं, इन क्षेत्रों पर लगातार मेघगर्जना वाले बादल छाए हुए हैं, और तेज मेघगर्जना की गतिविधियों के बीच में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा रही हैं। कुछ स्थानों पर मूसलाधार जैसी जड़ी भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और अगले कुछ घंटों के दौरान इनकी आज रात तक देर रात तक अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ बिहार के इन भागों पर देखने को मिलेगी। पूरी विस्तार से जानकारी जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम समूचे बिहार के क्षेत्रों पर रहेगा, अगस्त के पहले सप्ताह में किस प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ, मानसून कैसा रहने वाला है, उसके बारे में सटीक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें, और इस वीडियो को आप बिहार के किस जिले से किस शहर से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएगा, ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की आपके शहर की मौसम जानकारी हम आपको और भी सटीक रूप से आप तक पहुंचा पाए। दोस्तों, समूचे बिहार के क्षेत्रों पर मानसून फिर से एक्टिव होने लगा है, और बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रियताएं बढ़ रही हैं, और विशेष तौर पर बंगाल की खाड़ी में बन रहा लो प्रेशर सिस्टम आगामी दिनों में पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम के कई इलाके हैं, त्रिपुरा तक के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर लगातार बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं भी यहां पर बन रही हैं। अगर मैं बिहार की बात करूं तो 31 जुलाई को बिहार के किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण के कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा से लेकर वैशाली, समस्तीपुर से लेकर मुजफ्फरपुर के कई भाग हैं, साथ ही गोपालगंज, सिवान, सारण से लेकर बक्सर, भोजपुर, पटना के कई भाग हैं, मधुबनी से लेकर सुपौल, सरसा, मधेपुरा से लेकर खगड़िया, बेगूसराय तक के भाग हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के कई इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान भी देखने को मिलेगी, और यहां पर मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद से लेकर अरवल, नालंदा, नवादा के कई इलाके हैं, साथ ही शेखपुरा से लेकर लखीसराय के भी कई इलाके हैं, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर से लेकर जमुई, बंका के कई भाग हैं, इन क्षेत्रों पर भी मौसम खराब रहेगा। हालांकि यहां पर बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी रहेगी, खंड वर्षा के रूप में यहां पर बारिश की गतिविधियां होगी। विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी बिहार और उत्तर पश्चिमी बिहार से लेकर मध्य बिहार के कुछ इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रह सकता है। हालांकि आपको पल पल की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम अपडेट बिहार पर दी जाएगी, आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में यानी कि अगस्त के पहले सप्ताह में ही मौसम बेहद ज्यादा खराब रहने वाला है बिहार के क्षेत्रों पर, और मानसून का तांडव आने वाले दिनों में बिहार के क्षेत्रों पर भयंकर तरीके से देखने को मिलेगा। भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर दर्ज की जाएगी। आगे की पल पल की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।